हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। तो जी, आज जा रहे हैं हम लोग अपनी अम्मा के घर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में। जुनैदा और उसके बाबा हैं मोटरसाइकिल पर, मैं शालमीत सिब्बल और मेरा बेटा, हम लोग हैं रिक्शे में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम जा रहे हैं और वो मेरा बेटा बैठा है इस क्लास, और ये सारा एरिया है जिधर से हमने गुजर कर जाना है। आप देख सकते हैं हमारा कराची बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा। और ये देख सकते हैं, ये गोरा कब्रिस्तान के पास से लोग जा रहे हैं, और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो ये देख लें आप लोग और नज़ारे देख लें कराची के, हमारे रास्ते देख लें। हमारी अम्मा रहती हैं सदर में, तो हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा रास्ता, लेकिन अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। तो अक्सर हमें रिक्शे में जाते हुए मज़ा आता है, और बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि हम लोग अपनी नानों के घर जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बाल हवा से कितने उड़ रहे थे। अंदर हम लोग जब अपने घर पे होते हैं तो हमें गर्मी फील होती है, लेकिन जब बाहर कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, हम लोग पहुँच चुके थे। हमें अम्मा के घर थोड़ा ढूँढने में परेशानी लग रही थी, हस्बैंड जी भी आ गए हमारे साथ ही, और ये हम अम्मा के घर पहुंच चुके थे। इधर थी शुक्रगुजारी की इबादत और जा चुकी थी लाइट, तो यहाँ पर हो रही है शुक्रगुजारी की इबादत, और यहाँ पर प्रे कर रहे हैं हम लोग सब। सब बैठे हुए हैं, सब मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, और ये देख सकते हैं वो मेरी अम्मा बैठी हुई है। तो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रे कर ली थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरे बनमई है वाइट शर्ट में, ये पास्टर है, ये स्पेशल फैसलाबाद से आए हुए हैं। तो हमने सोचा मिलकर सब प्रे करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे बंद नहीं हैं, छोटे हैं, ये फैसलाबाद से आए हैं, और इनके साथ ही पास्टर हैं। तो ये प्रे कर रहे थे और बहुत अच्छी स्पीच की थी, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आया। तो सारे बच्चे भी देख सकते हैं, सारे बच्चे बैठे हुए हैं प्रे के लिए। तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, और दुआओं में हमेशा एक दूसरे को याद रखना चाहिए। तो ये प्रे हो चुकी थी और अभी ब्लेसिंग हो रही थी, और अब आगे बारी खाने की। तो ये देख सकते हैं, खाना खाने में था कोरमा, बहुत ही मज़ेदार और यमी यमी कोरमा था, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। ढक्कन के हटते ही खुशबू आ गई, तो भूख में और इजाफा हो गया। तो जिस चीज़ को खाना है कोरमा, चिकन कोरमा, तो वो आ जाए और जल्दी से इंजॉय कर ले। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी था, जो कि बहुत ही मज़ा आया था। हम लोगों ने खूब मंड के खाया था। ये शालमियत है, तो अपनी नानों के घर पे बहुत आकर खुश होते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। और आपने बताना कैसी लगी है। और ये मेरी अम्मा ने बनाई थी खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी, जो खाने के फौरन बाद उन्होंने हमें दी थी। तो खाना सब कर रही थी मैंने ही सबको खाना सब किया था। और फिर एंड में, जैसे कि घर बार मेरी एक ही आदत है कि मैं हमेशा एंड में खाना खाती हूँ, तो खाने के बाद सबका प्लान बन गया कि चलो हम लोग चलते हैं कहीं बाहर। तो हम लोग आ चुके थे बाहर, बाहर जा रहे थे हम लोग बोर्ड बेसन पे। किसी की फरमाइश थी आइसक्रीम की, किसी के फलूदे की, किसी की लस्सी की, किसी की चॉकलेट शेक की। तो सब बैठ चुके थे, कुछ गाड़ी में बैठ गए थे। ये मेरे बिन भाई की गाड़ी है जो फैसलाबाद से आए थे, तो सारे बच्चे इसमें बैठ गए थे और सारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने रिक्शा करवा लिया था, कुछ रिक्शे में बैठ गए थे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में। तो आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कि बहुत ही अंधेरा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तकरीबन 12 रात के बजे हुए थे, तो हम लोग जा रहे थे। और सैटरडे नाइट थी, तो सैटरडे को तो कराची में और ही चार चांद लगे होते हैं और रौनकें होती हैं और इन्जॉय हो रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ था। तो हम पहुंच चुके थे बोर्ड बेसन पे, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब हमारे पास आ रहे थे, जैसे कि इन्होंने फ्री में हमें देना है। कोई वहाँ से आ रहा था, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया, हम लोग तंदूरी हट में चले गए थे। और उधर जाने के बाद भी, ये मेरा बेटा है और ये मेरी सिस्टर का बेटा है, और ये बहुत सारे बच्चे थे, सारे बच्चों को देख के हैरान हो रहे थे, इतने बच्चे। तो सब ने अपनी फरमाइश के मुताबिक खूब इंजॉय किया और खूब खाया पिया।
और फिर हम लोग सब इधर बैठे हुए थे। इसके बाद थी हम लोगों ने खाने पीने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर गपशप की, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हम सब बहनें मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी देर के बाद ही, तकरीबन 3-4 महीनों के बाद ही मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और दुआओं में याद रखें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है और मोनेटाइज चैनल तो लाजमी देखा करें। बाय।